महामानव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती मथुरा जनपद में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। गुरुवार के दिन भगत सिंह पार्क में हजारों क्षत्रियों का जनसैलाब उमड़ा, जिसमें जनपद भर के कोने कोने से आए क्षत्रियों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ भगत सिंह पार्क से हुआ, जो कि डिग गेट से होते हुए होली गेट पहुंची, जहां से होते हुए भव्य शोभा यात्रा विकास मार्केट से होती हुई भगत सिंह पार्क तक पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया। शोभा यात्रा का रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। हजारों लोग शोभा यात्रा की एक झलक को व्याकुल दिखे। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर किशोर सिंह ने कहा कि क्षत्रिय वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महाराणा प्रताप जी की 479वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। जनपद भर की सभी जातियों के हजारों युवाओं ने भव्य शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप किसी जाति विशेष के नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी थी। हमारी क्षत्रिय समाज प्रति वर्ष की भांति हर वर्ष ऐसे ही बड़ी धूमधाम के साथ महाराणा प्रताप जी की जयंती को मनाती रहेगी और समाज में भाईचारे को बढ़ाएगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक ठाकुर कुशलपाल सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर किशोर सिंह, मुकेश सिकरवार, कलुआ ठाकुर, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष ठाकुर मदन गोपाल सिंह, कुंवर रणविजय सिंह, छात्र नेता प्रवीण ठाकुर, जीतू ठाकुर, अभी ठाकुर, कुंवर नीटू राणा, ठाकुर प्रकाश सिंह, बबलू तरकर सहित हजारों सम्मानित राजपूतों ने शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा का नेतृत्व युवा नेता करण ठाकुर ने किया। मथुरा से वॉइस फॉर नेशन के लिए दिनेश सिंह तरकर की खास रिपोर्ट। मानव महाराणा प्रताप जी की शोभा यात्रा वार्षिक यहाँ से निकलती है, भगत सिंह पार्क से भरतपुर गेट, होली गेट होते हुए फिर यहीं इसका समापन होता है। हमारे सारे युवा साथी जो उत्साही युवक हैं, इन्होंने महाराणा प्रताप एक समाज के नहीं पूरे देश के सबसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और सबसे जिन्होंने हर वर्ग के पूरे हिंदुस्तान की रक्षा की है। आज देख रहे हैं आप जोश खरोश, हजारों की संख्या में यहाँ क्षत्रिय बंधु उपस्थित हैं और ये हर साल वार्षिक शोभा यात्रा है और आगे भी जारी है। कितनी झांकियाँ निकाली गई? अब आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में झांकियाँ हैं और सभी युवा जिनमें जोश है, क्योंकि महाराणा प्रताप किसी वर्ग विशेष के पूरे देश के जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए लड़े, जिन्होंने घास की रोटी खा के हमारी अस्मिता को बचाया, आज हम सब लोग उनके आदर्शों पर चलने, ये पूरे इतनी बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं कि और ये हर साल ऐसी झांकी निकलती है। इस माने महाराणा प्रताप जी और देश के लिए लड़े, हमारे हिंदू समाज के लिए लड़े और उनका वह है आजकल जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे नौजवान साथी लोग जो हैं बड़े उसे पिछले साल से ज़्यादा मना रहे हैं और इस समय सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं कि उनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग चढ़ करके देश की और समाज की सेवा करें जी।